दोस्तों, आपका फिर से दिल से स्वागत है द लॉस्ट स्टोरी बुक्स, जिसमें आपको नई नई कहानियाँ मेरे साथ सुनने को मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की नई कहानी से, जिसका नाम है द गोल्डन टच, यानी सुनहरा स्पर्श। एक बार शिवाजी नाम का एक राजा था, जिसने एक महान ऋषि के लिए एक अच्छा काम किया था, और तब उन्हें उसके ऋषि के द्वारा एक इच्छा दी गई थी। तो शिवाजी इस इच्छा का अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता था, अच्छे और बुरे कामों के लिए। तो चलो देखते हैं उसने अपनी इच्छा में क्या मांगा। उसने अपनी इच्छा में यह मांगा कि वह जो कुछ भी छुए वह सोने में बदल जाए। ऋषि के लाख रोकने के बावजूद भी शिवाजी ने ठान लिया था कि उसे ये ही शानदार इच्छा चाहिए, और ऋषि से विनती की। अंतिम में ऋषि को इच्छा पूरी करनी पड़ी। अपनी नई नई शक्तियों से खुश शिवाजी ने सभी प्रकार की वस्तुओं को छूना शुरू कर दिया। प्रत्येक वस्तु को शुद्ध सोने में बदल दिया, और ऐसे ही उसने बहुत सोना इकट्ठा करके रख लिया। ऐसे करने के कुछ देर बाद शिवाजी को भूख लगने लगी। जैसे ही उसने भोजन का एक टुकड़ा उठाया, उसने देखा कि वह भी सोने में बदल गया। जैसे कि वो सोने में बदल गया था, उसका मतलब वो कुछ भी खा नहीं सकता था। भूखा शिवाजी शोर करने लगा, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, मैं भूखा हूँ, शायद ये इतनी अच्छी इच्छा नहीं है। उसकी निराशा को देखकर शिवाजी की प्यारी बेटी ने उसे दिलासा देने के लिए उसने अपने पिता को गले से लगाया, और वह भी सोने में बदल गई, और उसने अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वह बहुत रोया, और फिर उसको समझ आया कि सोने की इच्छा कोई आशीर्वाद नहीं है। देखो दोस्तों, कुछ समझ आया? लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। अब शिवाजी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, वो अपनी इच्छा को वापस भी नहीं दे सकता। तो जब कभी भी आप ऐसी स्थिति में आए, तो सोच समझ कर फैसला करें जो सबके हित में हो। तो चलो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म हुई, बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माई स्टोरीज। थैंक यू।